वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक पेपर फ्लावर मेक वेरी इजी। आपने जस्ट सीजर और पेपर की हेल्प से ये फ्लावर क्रिएट करना है और आपने एंड तक वीडियो वॉच करनी है ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। अगर कोई स्टेप मिस हो जाता है तो ये फ्लावर गलत भी बन सकता है, ठीक है? क्योंकि जब मैं शुरू में ट्राई कर रही थी तो मुझसे मिस्टेक हुई थी, क्योंकि मैं कोई ना कोई स्टेप ज़रूर मिस कर रही थी। जब मैंने फाइंड किया तो कटिंग का ख़ास तौर पे या फोल्डिंग करते हुए हम जो है मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो आपने ये प्रॉपरली वीडियो वॉच करनी है ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। सो ये वेरी इजी है। आप विदाउट एक्सपेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल किए आप ये फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत सिंपल सा है, आपने जस्ट पेपर को फोल्ड करके ड्रॉ करके आपसे कट कर देना है। सेम इसी तरह वीडियो के ज़रिए आपको समझ आ रहा होगा। सो अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। सो आप देख सकते हैं जस्ट आपने ओपन किया, ये पूरा फ्लावर रेडी हो गया। ओके, सो ये भी बहुत इजी है क्रिएट करना, वेरी सिंपल। आप जस्ट पेपर की हेल्प से और सीजर की हेल्प, ग्लू की हेल्प से ये फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। कटिंग करते हुए जो पेपर्स मेरे बच जाते हैं, जो कलर पेपर या वाइट पेपर जो बच जाते हैं, सो मैं उसे शॉपर में स्टोर कर लेती हूँ ताकि जब भी मुझे उसकी नीड हो तो मैं उसका इस्तेमाल कर वेस्ट नहीं करती। अगर आपकी भी इस तरह पेजेस बच जाते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उन्हें वेस्ट ना करें। आप उनका इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट आपके पास एक ग्लू होनी चाहिए, अच्छी ग्लू, और आपके पास सीजर और पेपर्स होने चाहिए। सो आप इजीली ये ड्रॉ कर सकते हैं। आपने जस्ट फ्लावर्स को एक पेपर में ड्रॉ करना और उसको कट करके आपने बहुत सारे फ्लावर्स क्रिएट करने। उसके बाद मिनी बॉल की हेल्प से आप खुद भी बना सकते हैं, जो पेजेस से मोड़ के आप मिनी बॉल बना सकते हैं और फिर उस फ्लावर्स को इस मिनी बॉल में लगा दें और सिंपली ये फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने लास्ट में एक ग्रीन पेपर लेना है और उसकी कोन बनानी है। जस्ट आप उस मिनी बॉल को उस कोन के ऊपर रख देना है और आपका फ्लावर क्रिएट हो गया। और आपकी मर्ज़ी है कि आप इस कोन को अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। जो आपने पेपर कोन बनाई है आप उसे अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करें। इस तरह मैंने अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट किया, अपने आइडियाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।